Welcome dear friends, once again this is another video on consumer recovery, and today's topic is indifference map. Okay, so I'm going to make it a small videos to make it very clear, crystal clear, and because the students some students have very less patience to watch the videos of a longer duration, तो उनके लिए और एक बार मैं फिर पुनः रिमाइंडर करूँगा आपको. इस वीडियो का पर्पस केवल हमारे वो बच्चे हैं जो बुक रीडिंग नहीं करते हैं. मैं पुनः कहता हूँ कि अगर आप बुक रीडिंग की आदत रखते हैं तो वीडियो मेरे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा स्वतः ही. सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी. ओके, लेट अस स्टार्ट. इनडिफरेंस मैप. इनडिफरेंस मैप क्या होता है? अनधिमान जो मानचित्र है, अनधिमान कर्व का, वो क्या है? इनडिफरेंस मैप रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इनडिफरेंस कर्व. इट इज़ व्हाट? फैमिली ऑफ इनडिफरेंस कर्व. अब फैमिली में कई लोग होते हैं ना, ठीक है, तो वहीं से इस वर्ड उठाया गया है. इनडिफरेंस मैप इज़ व्हाट? फैमिली ऑफ इनडिफरेंस कर्व दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. जो क्या बताता है? कंज्यूमर प्रेफरेंस को बताता है. ओवर ऑल द बंडल्स ऑफ द टू गुड्स. जो जितने भी बंडल्स हैं दो गुड्स का कॉम्बिनेशन, मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट पर है तो इतना ये वाई एंड दिस मच ऑफ दिस, इसलिए इस पॉइंट पर है तो इतना ओ पी वाई एंड ओ आर एक्स. बी पॉइंट पर है तो ओ पी वाई एंड ओ एस एक्स. तो इस तरीके से वो प्रेफरेंसेस को शो करता है. इनडिफरेंस मैप रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इनडिफरेंस कर्व दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. ठीक है, तो IC1 से ज़्यादा प्रेफरेबल है IC2. ठीक है, ये तो आपने देख लिया था पिछली वीडियो में कि मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस की वजह से ऐसा होता है. तो IC1 से ज़्यादा प्रेफर करता है IC2, और इसी तरह IC2 से ज़्यादा प्रेफर करेगा IC3 को. ठीक है, तो ये क्या बताता है? प्रेफरेंसेज ऑफ ओवर ऑल द बंडल्स ऑफ द टू गुड्स. अब देखिए, एन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स ऑल द कॉम्बिनेशंस विच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. ठीक है, अब इस पॉइंट पर IC1 पर जितने भी पॉइंट होंगे, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे ये हो, चाहे यहाँ पर हो, इस पर जो भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा बराबर मिलेगा. ऐसा नहीं कि ऊपर है तो ज़्यादा, नीचे है तो कम, ऐसा नहीं. ये इस कर्व पर किसी भी पॉइंट पर होगा उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा. एंड इनडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स ऑल द कॉम्बिनेशंस विच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. हाउएवर, एवरी हायर और लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कैन बी शोन ऑन डिफरेंट इनडिफरेंस कर्व. मतलब यहाँ क्या हुआ कहना, एवरी हायर और लोअर, मतलब हायर लेवल पर जाओगे तो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा. यहाँ से यहाँ आए, मान लीजिए IC2 से IC1 पर आए, तो आपको कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा. तो IC1 से बेटर IC2 है, IC2 से बेटर IC3 है. ठीक है, इसी बात को यहाँ कहा गया है. इट मीन्स इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स कैन बी ड्रॉन. ऐसे ऐसे करके ऊपर बढ़ते जाइए, इनफाइनाइट. IC1 रिप्रेजेंट्स द लोअर सेटिस्फेक्शन, IC2 शोज सेटिस्फेक्शन मोर देन IC1, एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज डिपेक्टेड बाई इंडिफरेंस कर्व IC3. हाउएवर, ईच इंडिफरेंस कर्व इज शोज द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इंडिविजुअली. मतलब इस पर जितने भी हैं पॉइंट्स वो बराबर सेटिस्फेक्शन देंगे, IC2 पर जितने भी पॉइंट होंगे वो बराबर सेटिस्फेक्शन देंगे, IC3 पर जितने भी पॉइंट होंगे वो बराबर सेटिस्फेक्शन देंगे, तो इंडिविजुअली वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताएंगे. इट मस्ट बी नोटेड दैट हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एज हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स लार्जर बंडल ऑफ गुड्स. ठीक है, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेज वाली बात है, विच मीन्स मोर यूटिलिटी बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंसेज. ये देखिए पॉइंट, ईच इंडिफरेंस कर्व इन द इंडिफरेंस मैप इंडिकेट्स डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर. दैट इज, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द लेवल ऑफ इनकम. तो ये हमारा इंडिफरेंस मैप, ये फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की बात करता है. और ये जो अलग अलग लेवल का जो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे से वो अधिक है या कम है, इन सब बातों की जानकारी हमको इंडिफरेंस कर्व से मिलती है. तो आई होप इट इज़ क्रिस्टल क्लियर टू यू. थैंक यू.